हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सर, मेरा नाम हिमायत अली है। कॉस्ट्यूम मैथोलॉजी आज से 20 साल पहले मैंने किया था। 20 साल बाद इकबाल भाई, हमारे इकबाल बख्श जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, महाबली के, उन्होंने वापस से मुझे ये मौका दिया कि मैं कॉस्ट्यूम में कुछ परफॉर्म करूं। मैं हमारे प्रोड्यूसर शंकर दादा का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे साइन किया इस फिल्म के लिए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी फिल्म बनने जा रही है और मैं खुशनसीब हूं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। क्या किरदार है इसमें? एक योद्धा है जो महाबली को हमेशा हराने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हमारा जो महाबली, जो हमारा हीरो है, वो बहुत ही बड़ा योद्धा है। उसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा कामयाब नहीं होते, लेकिन मेरा ये किरदार है कि मैं उसे बाद में ये कहता हूँ कि भाई, ये बल से काबू में नहीं आने वाला, ये छल से काबू में आने वाला है। जो कह लो कि राजनीति से मैं उसे, छल से उसे पराजित करता। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श जी है, मेरे फेवरेट। उनके एक एक शॉट, भाई उनको पता है कि कौन सा शॉट कहाँ लगना चाहिए। उनमें काबिलियत है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। हम जानते हैं एक दूसरे को 25 साल पहले से, लेकिन काम पहली बार मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो कितना एक अलग अनुभव हो रहा है जी, कितना अलग एक्सपीरियंस हो रहा है इस फिल्म को? अरे भाई, बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। ये पहन के काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इकबाल भाई ने कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं। मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया, तब जाके मैं ये किरदार करने के लिए राजी हुआ हूँ। अगर वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिलाते इकबाल भाई, तो मैं शायद ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकता था, क्योंकि 20 साल का अरसा, उसके बीच में मैंने कमर्शियल काफ़ी किए हैं, मेरी काफ़ी फिल्मों आपने देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, बट ये वापस से इसमें आना, माइथों में आना और कॉस्ट्यूम के साथ करना, एक डायरेक्टर का ही काम हो सकता है। वो जब तक के एक एक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा, एक्टर नहीं कर पाएगा काम। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर हमारे गाय हैं सर। प्रोड्यूसर हमारे गाय हैं, रमेश व्यास जी। उन्होंने तो देखा भी नहीं है मुझे, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने, हमारे जो को प्रोड्यूसर है शंकर दादा ने, उन्होंने सिर्फ हमारी पिक्स दिखाई, तो उन्होंने, व्यास जी ने मुझे कंफर्म कर दिया और मुझे फ़ोन आया बाकायदा कि भाई, आप ये रोल कर रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ बहुत बहुत। जी कहिए। अपने फैंस, अपने ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? नामचीन कलाकार, साथी कलाकार नजर आने वाले हैं। सर, मैं तो समझता हूँ कि इंडस्ट्री का शायद हर बड़ा एक्टर इस फिल्म में होगा। मुझे कुछ नाम याद है, पंकज त्रिपाठी है, देवगिल है, साउथ के जो विलन है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा टाइटल रोल कर रहा है, साहिल अख्तर, अच्छे, बहुत ही अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं वो। उसके साथ साथ अमृता जी है और दीपक भाटिया जी है, हिमायत अली है। काफ़ी नामचीन स्टार इसमें रहने वाले? नहीं, रहने वाले बिल्कुल रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म कामयाब भी होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि कैरेक्टर्स और एक्टर्स इसमें बहुत आने वाले हैं। ये हमारी फिल्म छोटी फिल्म नहीं, एक लेवल पे आके रुकेगी, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अभी जो फिल्म हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई थी, क्या कहते हैं वो, अर्जुन कपूर वाली फिल्म पानीपत है, तानाजी है, और
दूसरी फिल्मों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं, बस ये कह सकता हूँ। चलिए, अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म में वो सब चीज़ें हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं। एक्टर भी अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी है, फिल्म का एक्शन भी अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। तो ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तो कम से कम आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिर मुझे ये यकीन है कि आप दोबारा भी इस फिल्म को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बनूँ। सबसे पहले इकबाल सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं और जो शंकर प्रसाद गुप्ता है इस मूवी के को प्रोड्यूसर, और रमेश सर है जो प्रोड्यूसर है। मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और पहली बार इतनी बड़ी मूवी कर रहा हूँ, वैसे तो काम बहुत सारे किए हैं, छोटे मोटे इधर जूनियर क्राउड, लेकिन इकबाल सर ने उस काबिल समझा मेरे को, इतनी बड़ी मूवी में काम दिया तो अच्छा लग रहा है। और प्लस क्या है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बाहुबली जब थोड़े से छोटे थे, अब तो बड़े हो गए, तो बाहुबली देखी थी एक, तो सोचा था, एक मन था कि ऐसी फिल्म कभी करूँगा। जब इनके इनसे मिला, इकबाल सर से मिला, देखा उन्होंने 3-4 साल पहले, तो उन्होंने ढंग से मेरा जो भी समझना आप समझिए, लेकिन उनके बाद जो है मेरे को जो उतारा इन्होंने, जो कॉस्ट्यूम दिया, कुछ अच्छा ही दिया उन्होंने, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इस फिल्म के लिए कितना तैयारी करना पड़ा था आपको? तैयारी तो बहुत करना पड़ा है, तैयारी 3-4 बार लुक टेस्ट हुआ अलग अलग तरीक़ों से, काफ़ी मेहनतें करनी पड़ी है। एक्शन से हो गया, रिहर्सल हो गया, एक्टिंग रिहर्सल हो गया, बहुत चीज़ों में तैयारी करनी। और इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मेरा इस मूवी में। और इकबाल जी के डायरेक्शन में कितना सीखने को मिला आपको? अरे सर, वो सागर है, सीखने वाला बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। और उनकी बहुत सारी मूवी भी देखता हूँ, उनका फ़ैन भी हूँ एक्चुअली मैं उनकी। अभी सुल्तान मिर्ज़ा जो मूवी है वो भी फ्लोर पे जाने वाली है, उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं। और इनकी अभी गुंडा मूवी रिलीज हुई है, तो इनका जो डायरेक्शन है कमाल का है। मतलब एक होता है ना विजन डायरेक्टर का, वो एकदम क्लियर है उनका। और आप लोग भी पूछिए कुछ ना कुछ, दिखिए मत मेरे को। अपने ऑडियंस क्या कहना चाहिए? ऑडियंस बस जितना प्यार दे सके देते रहिए, हम भी उतना ही प्यार देंगे ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम है, एस के। एक्चुअली एस के जो मीनिंग है वो बहुत अहम है हमारे लिए, और मैं एक नया कलाकार हूँ, और इकबाल सर ने मुझे चांस दिया इसके लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इकबाल सर का और इस टीम का। और इस टीम में जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब है मिस्टर रमेश भैया साहब, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे को प्रोड्यूसर है शंकर दादा साहब, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस फिल्म में चांस दिया, थैंक्स अलॉट। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक मैं सोचा नहीं था कभी कि हम देखते थे हमेशा 3D मूवी देखते थे, उसका ट्रेलर देखते थे एक्चुअली, आज मैं उस जगह में काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, हम सोचे नहीं थे लाइफ में आई थिंक कि इस तरह का मुझे प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बट मेरे दोस्त मनीष भी हैं और मेरे डायरेक्टर साहब का जो हमारा जो रिश्ता है एक्चुअली वो बहुत ही क्लोज़ है, एक फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रिश्ता है एक्चुअली हमेशा बरकरार रहे, और कोशिश करते हैं एक्चुअली मेहनत करके, और हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहे, और हम हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहें, आप लोग को खुशी देते रहें और आप लोग के लिए काम करें। बस आप सभी जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं, आई थिंक सबका मुझे दुआ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। हाय मनीष भाई, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूं। मनीष जी, आप कॉस्ट्यूम में नहीं दिख रहे हैं और सब कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं। सर एक्चुअली आज मेरा कोई रोल नहीं था इसमें, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आया था इन सब से आज। जी जी सर। और यहां पे फिर बताएं फिल्म को लेके कितना एक्साइटेड हैं आप? सर फिल्म को लेके तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम, क्योंकि हमें इतना एक बिग सिनेमा में काम करने का मौका मिला है। जैसे बाहुबली मूवी थी हमारी,
हमने आज तक बचपन से उस मूवी को देखा था, कितना एपिक सिनेमा बन रहा था वो, तो उसमें बस हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें ऐसी मूवी में काम करने का चांस मिलेगा या क्या होगा। सडनली हम सर के पास मिले, सर से आकर बात वगैरह की, सब कुछ किया, ठीक है। फिर हमें एक सर ने उसमें करेक्टर दिया, ठीक है, तो उसमें मैं एज बहुत अहम किरदार करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे सेनापति का रोल है इसमें, और ये मेरे अतिशाम भाई हैं, हम दोनों का मतलब एक दोस्ती यारी सब समझिए, मतलब एक भाई जा रहे हैं। तो महाबली से कितना अलग हट के आपको ये दिख रही है महाबली? सर थोड़ा था हम इसमें डिफरेंट वो लेकर आ रहे हैं इसमें सस्पेंस जी, जैसे कि हमारा जैसे आपने बाहुबली में देखा था पांच योद्धा के ऊपर मूवी पूरी बनाई गई थी, ऐसे इसमें हमारा है, ठीक है, पांच योद्धा को लेकर पूरा थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, एक वो सस्पेंस लेकर चल रहे हैं अभी। बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे सर? इकबाल सर की तो जितनी तारीफ की जाए उसके उनके लिए तो सब अल्फाज जो कहते हैं ये बहुत ही कम पड़ेंगे, ठीक है, वो तो बिल्कुल देवता इंसान एक तरह से कहा जाए, सबको मौका देते हैं काम करने का, कि इंसान के अंदर टैलेंट ढूंढते हैं वो, जैसे जैसे इंडस्ट्री में लोग आते हैं काम नहीं मिलता उन्हें, वो नहीं होता, ठीक है। इकबाल सर जिससे मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ था कि जो इकबाल सर के साथ काम करने का ये था। ओके, थैंक यू सर। और कुछ स्टार कास्ट के बारे में अगर बात की जाए तो क्या बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारे जो इस मूवी का जो लीड रोल कर रहे हैं साहिल भाई हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर इकबाल बख्स जिसे दुनिया जानती है, वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, क्योंकि मेरा जो एक्चुअली जो नाता है उसके साथ बहुत क्लोज नाता है, और मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी भर हमेशा ऐसे ही रहे। आप लोग का प्यार दुआ आशीर्वाद चाहिए मुझे, और हमारे जो इसमें जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं मिस्टर रमेश भैया साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उस हमें देखा भी नहीं है, हम भी नहीं देखे हैं उसको आज तक, अभी तक हम कोशिश करते हैं कि एक बार हम ज़रूर मिलेंगे। और हमारे को प्रोड्यूसर साहब शंकर दादा हैं, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम आए, काफ़ी गुफ्तगु हुई, बातचीत हुई, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, वो लोग का ब्लेसिंग हमारे साथ है कि हम इस मकाम पे हैं। एक्चुअली हम हमेशा 3D मूवी देखते थे, जैसे रोबोट 2.0 हम देखते थे, बाहुबली जैसा बिग सिनेमा देखते थे। आई थिंक मुझे कभी बिलीव नहीं था कि हम इस जैसे सिनेमा पे काम कर सकते हैं, बट आज इस जगह पे खड़े हैं और इस टाइप का रोल कर रहे हैं। मूवी के अंदर मेरा बहुत ही एक अहम रोल है जो मुझे मिस्टर इकबाल बख्श साहब ने मुझे चांस दिया है, तो उसका बहुत बहुत थैंक गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ, और मेरे घर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में मुझे आने के लिए वो लोग मौका दिया। मेरी मॉम, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बड़े भैया, मेरे भाई छोटे, मेरी बहन, सबका ब्लेसिंग मेरे साथ है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे जो एक एक्चुअली मेरा जो एक जिसका जिसकी वजह से इस सिनेमा में आया, उसका एक्चुअली उसका फुल फॉर्म जो मीनिंग है एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म पे वो SKG है। सो प्लीज़ थैंक गॉड SKG, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं इस मकाम पे हूँ, और आपका ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आपका प्यार चाहिए। थैंक गॉड आप लोग की, आप लोग का प्यार सम्मान हमेशा हमारे साथ रहे, और हम चाहेंगे कि आप लोग को हर तरह से मेहनत करके अच्छा से अच्छा काम दिखाने का। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। हाँ, इस फिल्म के बारे में क्या बताना, महाबली एक ऐसी फिल्म है जो वीर योद्धा के ऊपर कहानी लिखी गई है, और जैसे आपने देखा होगा कि बाहुबली फिल्म जब आई थी तो लोग काफ़ी लोग उस फिल्म को देखने के लिए गए थे जिसमें प्रवास थे। अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, जो मैं उससे अच्छा कर सकूं या फिर पब्लिक को मैं अच्छा लगना चाहिए, मेन तो चाहिए ये कि फ़िल्म जो है। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, इकबाल बख्श जी को, कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया, और रमेश दादा जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और मैं ऐसी काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, 2-3 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई है लाइफ में, ट्विस्ट, अटल फैसला, अभी एक फ़िल्म मेरी आई थी अनफ्रेंड। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग फिल्म है, क्योंकि ये मैथो फिल्म है, और इस फिल्म में मैंने काफ़ी मेहनत किया, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, थोड़े से कभी बॉडी बना लेते हैं, कभी उतार लेते हैं, अभी ये मेरा लुक है, नया लुक है इस फिल्म के लिए। तो इस फिल्म में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लाइक आप कंपेयर कर सकते हैं फिल्म को महाबली से, बाहुबली से। इस फिल्म के लिए कितने तैयारी और कितने महीने तक आपको बाल नहीं कटवाने पड़े? अरे बहुत टाइम लग गया मुझे अपने को अपने लुक में देखे हुए, कि मैं हमेशा शॉर्ट हेयर और शॉर्ट बियर्ड में रहता हूँ, तो अभी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ सर कि आप इसी लुक में नज़र आ रहे हैं, तो मैं बताया उनको कि एक फिल्म कर रहा हूँ महाबली, जो एक वीर योद्धा पे एक कहानी आधारित है। इस फिल्म में किरदार किस तरह से आपका होगा जो पब्लिक को रोमांचित करने वाला है?
किरदार जो है मेरे इस फिल्म में एक वीर योद्धा है, जो मतलब के दो फिल्म में तो आप जानते हैं कि एक विलन होता है एक हीरो होता है, तो बस वही है जो मैं हीरो का कैरेक्टर कर रहा हूँ। काफ़ी एक्टर्स हैं इसके अंदर फिल्म में, जैसे कि हमायत जी हैं, देवगिल है, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर। तो अब जब फिल्म बनेगी आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगी कि ये फिल्म किस लेवल पे बन रही है, क्योंकि हम लोग अभी देख सकते हैं कि अभी क्रोमा शूट पे हम लोग शूटिंग स्टार्ट किए हुए हैं और इससे पहले एक हफ़्ता हमने शूटिंग कर लिए हैं फिल्म सिटी में। अभी नेक्स्ट जो शेड्यूल लगने वाला है वो शायद रामोजी स्टूडियो हैदराबाद में हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। जी, इनके आप नायक हैं तो आपकी नायिका भी कोई होंगी? हाँ है, एक्चुअली अभी वो नई लड़की है तो मैं सच बताऊँ तो अभी उसका नाम नहीं जानता हूँ मैं, क्योंकि सेट पे अभी मेरा कैरेक्टर चल रहा है, अभी लड़की का कैरेक्टर आना बाकी है। सस्पेंस भी रखना, सस्पेंस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जब देखेंगे तो कोई बड़ी कुछ निकलेगी वो। और फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर इकबाल बख्श के बारे में कहा जाए तो मैंने उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है उनसे। एक्चुअली मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के साथ में काम कर चुका हूँ, 4-5 फिल्में मेरी आ चुकी है और मैं 2-3 वेब सीरीज़ भी कर चुका हूँ, मैं ऐड फिल्म्स कर चुका हूँ मैं, तो जो इनके साथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, क्योंकि वो एक फिल्म को फिल्म की तरह लेके चल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वो डायलॉग्स जो लिखा हुआ है एज एन राइटर, आप एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है सो है। हम लोग कोशिश करते हैं इम्प्रोवाइजेशन का, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते उनकी वजह से, क्योंकि वो सारा स्क्रिप्ट को खोल के पी चुके अपने अंदर। तो एक डायरेक्टर के अंदर वो जो खूबी होनी चाहिए वो इकबाल बख्श जी के अंदर मैंने देखा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर की बात की जाए, हाँ, रमेश जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शंकर दादा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, शंकर दादा के लिए ये कहूँगा मैं कि उन्होंने जो हिम्मत किया है महाबली के लिए वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म प्लेटफॉर्म पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है। और रमेश ब्याज जी के लिए भी कहा जाए तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो अभी इस फिल्म को जिस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं वो जब बनेगी फिल्म, जब आप ट्रेलर देखेंगे तो कमाल हो जाएगा वो। और मुझे बहुत उम्मीद है इस फिल्म से कि इस फिल्म से आई थिंक मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा इंशाल्लाह ताला। जी, इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 फिल्में छोड़ चुका हूँ मैं इस फिल्म के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई गेटअप। और अभी मैं कोई फिल्म हाथ में भी नहीं ले रहा हूँ, रीज़न यही है कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि आप लुक चेंज कर लेंगे, शॉर्ट हेयर, लेकिन मुझे मालूम है कि 10 छोटी फिल्म करो उससे अच्छा एक बड़ी फिल्म करो, तो बात वही हो जाती है। मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म को लेकर अपने डायरेक्ट, अपने फैंस, अपने ऑडियंस से क्या? मैं अपने फैंस से ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म देखें, क्योंकि एक नया स्टार कास्ट की फिल्म देखने के लिए बहुत बहुत चुनौती हो जाती है कि यार देखें पता नहीं क्या फिल्में बनाया है, लेकिन इसमें आपको ये फील नहीं होगा कि ये फिल्म नई है, ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने एक्टर को मैंने देखा है, इसके जितने भी को स्टार हैं उनको देखा है, वो जो सीन्स एक एक सीन जो पिक्चराइज किया जा रहा है वो एकदम डिफरेंट है, मतलब लगेगा कि नहीं कि ये हमने बाहुबली नहीं देखा है, या हमने जो भी फिल्में अभी आई है मैथों के ऊपर, तो वो आप उसको सोच सकते हैं उस फिल्म को लेकर के। इस फिल्म को बाहुबली के प्रभाव से कितना अपने आप को कंपेयर? नहीं, वो तो प्रूफ एक्टर है यार, वो उन्होंने प्रूफ कर चुके हैं, अभी उनके तक पहुँचना भी बहुत मतलब नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है, बट वो दौर मेरा भी है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं, अभी वो दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन मैथो फिल्म करना इट्स नॉट जोक, इतना डिफ़िकल्ट है। अभी एक शूट कर रहा था मैं फिल्म सिटी में, घोड़े मेरे ऊपर चढ़ गए, कभी एक पैर मेरा फंस गया तो घोड़े कम से कम 2 किलोमीटर लेके मुझे भाग चुका, तो ये बहुत रिस्की मामला है, बट मेरे जो एक्शन डायरेक्टर हैं जावेद शेख, उनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से फाइट कोरियोग्राफ किया है बहुत ही उम्दा और बहुत ही काबिले तारीफ, ही इज़ अ वेरी गुड फाइट मास्टर, और मैं चाहूँगा कि उनको और भी फिल्में मिले। और अभी इसके बाद हम शूटिंग करने जा रहे हैं सुल्तान मिर्ज़ा की, तो उसमें पूरा डिफरेंट कैरेक्टर होगा मेरा, वो लखनऊ के ऊपर कहानी है। ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद शायद हम लखनऊ निकल जाएं सुल्तान मिर्ज़ा के लिए, सेम डायरेक्टर एंड सेम प्रोड्यूसर, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि एक डायरेक्टर के हाथ आप काम कर रहे हो, 2-2 फिल्म कर रहे हो, जिनको अनुभव बहुत है इस फिल्म के, फिल्म बनाने 25 साल अपने इंडस्ट्री में अपने करियर को बनाने में लगाए हैं,
तो उनके लिए भी मैं इतना कहूँगा कि एक बार इस फिल्म को लोग देखने जाए, क्योंकि जो मेहनत हम कर रहे हैं ना आज इस फिल्म के लिए, वो तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्म में मेहनत कर चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा तो मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है मीडिया ही पहुँचाते पब्लिक के आगे, तो मैं चाहूँगा कि इसको इतना छाप दे, इतना आगे बढ़ा दे कि लोग के कानों कान में गूंजने लगे ये फिल्म महाबली। जिस फिल्म का हीरो भी मैं ही हूँ और फिल्म के जो कैरेक्टर रिजन है महाबली नाम भी मेरा ही है उसमें। तो बस थैंक यू सो मच, और जैसे जैसे शूटिंग होती जाएगी मैं इसके बारे में आप लोग को बताता रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम है अमजद कुरैशी और मैं फिल्म कर रहा हूँ महाबली। क्या किरदार है सर? मैं इसमें जो हमारे महाबली है उसका सारथी का रोल कर रहा हूँ पूरी फिल्म में थ्रू आउट हूँ, और मैं एक योद्धा हूँ जो इस फिल्म के अंदर बहुत ही प्यारा रोल कर रहा हूँ। किस तरह से आई फिल्म मिली आपको और किस तरह से आपको जो कर रहे थे तैयारियाँ करनी पड़ी? सर फिल्म तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली और इकबाल जी ने मेरा टैलेंट देखा और जो इसके प्रोड्यूसर है रमेश व्यास जी उनको भी ये मेरा काम अच्छा लगा, और जो हमारे शंकर दादा है जो इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर है उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, और बहुत मेहनत की थी इस फिल्म के लिए, और उसके बाद इस फिल्म में मुझे बहुत प्यारा रोल दिया इकबाल भट्ट जी ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इकबाल जी के बारे में बात की जाए, क्या कहना चाहिए? इकबाल जी के बारे में ये बोलूँगा, इकबाल जी बहुत ही प्यारे डायरेक्टर है और उनके काम करने का तरीका बहुत ही हटके है, लेकिन ऐसे टेक्नीशियंस तो मैंने नहीं देखा, बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा काम करते हैं, और महाबली जो जिस लेवल पे शूट कर रहे जिस लेवल पे लेके जा रहे मुझे लगता है कि कोई साधारण बंदा बना सकता है, ये फिल्म एक नया इतिहास रचेगी तो पक्का है। अब तक कितने दिन की शूटिंग आप कर चुके हैं? सर अभी तक तो फिल्म का शूट हो चुका है लगभग, मतलब 25-30 दिन के लगभग शूट हो चुका है सर। जी, अब तक का शूटिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही प्यारा रहा, बहुत तकलीफें झेलिए और लेकिन काम करने में मज़ा बहुत आया, और इकबाल जी ने हमें बहुत ही हिम्मत दी और बहुत प्यार से हमारे सीन्स को निकाला और हमको समझाते, प्रॉपर सीन समझाते, प्रॉपर डायलॉग्स पे काम करते, और हमें अच्छा काम कराया। बाकी घुड़सवारी करने में कितनी अच्छा लगा, कितना तकलीफ? घुड़सवारी में तो अच्छी खासी लगी, हमारी जांघों की हालत ख़राब हो गई है और बस बच के रहना चाहिए घुड़सवारी से, ये तो बोलूँगा मैं जी। बाकी और कभी जो सूली पलटके होंगे या तलवार होंगे? मुझे 60 फीट पे ले जा चुके एक बार, तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जायद सर जो बड़े खतरनाक एक्शन डायरेक्टर हैं हमारे, तो मुझे बहुत 60 फीट की ऊंचाई पे ले जाके उन्होंने टांग दिया था कि बेटा देख अभी ये होता है, तो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा वो जी। और अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बस मेरे फैंस और ऑडियंस से बोलना चाहूँगा सर ये फिल्म देखो, बहुत प्यारी फिल्म बन रही है और ये एक इतिहास रचने वाली है, और आपने पता नहीं लेकिन इस फिल्म का ग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्शन है, डांस है, गाने हैं, गाने बहुत प्यारे हैं, और डायरेक्शन इकबाल भट्ट जी का बहुत अच्छा है। मैं खास करके शुभकामना देना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर को रमेश व्यास जी और हमारे शंकर दादा, हमारे डायरेक्टर इकबाल भट्ट जी, एक्शन डायरेक्टर हमारे जावेद आर खान साहब, और दिल से दुआ देता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत, सलाम। थैंक यू सर। ओके, रोल? हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैंने जैसे कि बताया कि अभी हम लोग सुल्तान मिर्ज़ा अभी शूटिंग के लिए जा रहे हैं लखनऊ, जिनके प्रोड्यूसर है मिस्टर हिमायत अली, और वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बस मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरी दो फिल्में आ जाए, जो सुल्तान मिर्ज़ा वो भी टाइटल मेरे ऊपर है, महाबली ये भी टाइटल मेरे ऊपर है, तो बस समझ जाइए कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और दोनों फिल्म बहुत डिफरेंट जोन की है, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ ये गुटअप, तो आप देख ही रहे कि जैसे मैं तो फिल्म बनती है उस टाइप का हूँ, बट सुल्तान में टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा, तो अब दोनों फिल्म मेरी जब आ जाए तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे की बात तो हम फिर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर साहब साथ में हैं, पहचान परिचय करवाना चाहिए। ये है इकबाल बख्श, जिन्होंने मुझे 20 साल बाद वापस वो हौसला दिलाया कि हिमायत भाई आप ये कैरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल पहले मैंने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना था, हिम्मत नहीं थी, लेकिन इकबाल भाई ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलवाया कि नहीं यू आर ए गुड एक्टर, कहते हैं ऐसा, ये आप ये कर सकते हैं, तो मैंने इनके कहने के ऊपर ये हिम्मत की और मुझसे इन्होंने काम अच्छा करवाया है, और इनको देख के मैं थोड़ा इंस्पायर होता हूँ हमारे हीरो को जिनका नाम है साहिल अख्तर, इन्होंने बहुत मेहनत किया है अपनी बॉडी पर और मज़ा आ रहा है काम करने में साथ। साहिल जी, हाँ मैं इकबाल जी के लिए कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मेरा पहला ऑडिशन लिया था फिल्म के लिए तो 5 बार तो मुझे
अप डाउन अप डाउन करवा दिया ऑफिस के कि पहले तो तुम पहले ये करके आओ, वो करके आओ, बाल बढ़ा के आओ, दाढ़ी बढ़ा के आओ। तो मैं लगा रहा है कि मुझे पता है कि इनकी जोन की जो मैं फिल्म कर रहा हूँ महाबली, ये फिल्म मेरी ही झोली में आनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली एक दिन जब इनका फ़ोन आता है कि ये फिल्म आप कर रहे हैं मेरे साथ, तो मेरे इतने ट्रायल हुए इस फिल्म के लिए, काफ़ी एक्टर आए ऑडिशन के लिए, लेकिन फाइनली आज इस फिल्म की शूटिंग मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसमें इनको बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे अपना कॉन्फिडेंस मेरे पर रखा, और अब ये फिल्म की शूटिंग ऑन हो गई और नेक्स्ट चलता रहेगा इंशाल्लाह। और एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इकबाल भाई के काम से मैं इतना मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए प्रोड्यूसर, मेरी दूसरी फिल्म मैं इकबाल भाई के साथ कर रहा हूँ जिसका नाम है सुल्तान मिर्ज़ा। टाइटल रोल हमारा सुल्तान मिर्ज़ा का अगेन एंड अगेन महाबली वाला कर रहा है। बहुत अच्छा इकबाल भाई ने उसे भी पिक्चराइज किया है। एक्शन जोनर है इनका, कटिंग है इनके पास, और मुझे यकीन है इकबाल भाई के ऊपर कि इस फिल्म को, दोनों फिल्म को ये उसके मकाम तक लेके जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी इकबाल जी, जी जानना चाहेंगे महाबली किस तरह से फिल्म होगी, जबकि बाहुबली के सामने एक बड़ा चैलेंज है आपके पास। बाहुबली एक्चुअली बहुत बड़ी हिट फिल्म है, लेकिन गुजरी हुई बात है। महाबली आज की बात है, आने वाला कल है, और इंशाल्लाह महाबली फिल्म बाहुबली से 19 नहीं बनाएंगे, 20 ही बनाएंगे अल्लाह ने चाहा टेक्निकली। तो अभी तक जितनी फिल्म की शूटिंग होगी उसको लेकर क्या कहना है? काफ़ी शूटिंग हो चुकी है फिल्म की, अभी तो हम लोग कुछ पैच था, कुछ ट्रेलर के शॉट्स हम लोग शूट कर रहे थे, और साहिल ने बहुत अच्छा काम किया। हिमायत भाई तो खैर बहुत ग्रेट एक्टर हैं ही, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। इस फिल्म में काफ़ी बहुत सारे दूसरे अदाकार भी काम कर रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, आप देखने को मिलेगा आपको आगे। कुछ ऐसे कुछ नाम? कुछ नाम देव गिल हैं, पंकज जी से बात हुई, पंकज जी करेंगे, और अमृता जी करेंगी, और काफ़ी एक्टर हैं, मैं क्या बताऊँ अभी। मतलब बॉलीवुड और साउथ के काफ़ी नामचीन चेहरे देखने मिलेंगे? हाँ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश है हम लोगों की। और ये फिल्म अगले साल 2020 में हम लोग लेके आएंगे, अक्टूबर नवंबर तक इंशाल्लाह। देखो कोशिश तो है। आज जो शूटिंग हो रही है इसके बारे में बताओ, क्रोमा लगा हुआ ये एक्चुअली क्रोमा, हम लोग कुछ शॉट्स ले रहे थे एक्चुअली, जो पैचेस हैं हम ट्रेलर लॉन्च करने वाले, एक लुक लॉन्च करने, नॉट ट्रेलर नहीं है ये, ट्रेलर हम लोग लॉन्च करेंगे अपना अप्रैल में। तो एक लुक लॉन्च करने वाले हैं 3 मिनट का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर, तो उसके लिए हम लोग ये शूट कर रहे हैं एक्चुअली, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा ये। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा बजट है इतनी बड़ी फिल्म बनाने में? हाँ फिल्म का बजट है, बड़ा तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाहुबली का था खैर, लेकिन प्रोड्यूसर का काफ़ी मतलब इसमें कॉन्फिडेंस भी है, साथ भी है, सहयोग भी है, वो पूरा साथ दे रहे हैं। मेरा रमेश व्यास इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और शंकर दादा उनके जॉइंट प्रोड्यूसर हैं, और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी और भी लोग हैं जो इसमें साथ दे रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। जी इस फिल्म को लेके ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं क्या कहना चाहूँगा, इस फिल्म को देखें, सराहें, प्यार करें, कामयाब बनाएं, हम लोगों को कामयाब बनाएं, हम भी वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक बाहुबली वाले पहुँच गए। महाबली के हीरो की तो सामना हो गया, हीरोइन को कब सामने लाने वाले? हीरोइन तो एक्चुअली सस्पेंस है ना यार, तो वो तो ऐसे नहीं आएगी ना यार, उसको उसकी मुंह दिखाई करने के लिए आपको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इंतजार है, पैसा कम मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा आपको। बस आप लोगों को से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, बीबीसी है, सूर्या है, काफ़ी चैनल्स आप लोग यहाँ पे रखे हैं, इनसे गुजारिश, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको जितना हो सके प्रमोट करें, तो उसमें हमारा ही फायदा है। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.